गाइस ये है मोटोरोला का मोटो S40। ऐसा मेरे जो फ़ोन है ना, इसके साथ जो चार्जर आता है वो 68 वाट का चार्जर आता है, टर्बो फास्ट चार्जर आता है। ऐसे में ये फ़ोन जो है ना वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। जी हाँ, इतने कम प्राइस में, मतलब 30,000 का फ़ोन आता है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ऐसे में इस फ़ोन के लिए हमने मंगा लिया वायरलेस चार्जर, जो ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में सपोर्ट करेगा, जितने वायरलेस फ़ोन आते हैं उन सब के लिए। जैसे में जो कि हमने अमेजोन से मंगाया, तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, कैसे कनेक्ट करना है और डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, प्राइस वगैरह कितना, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ऑल राइट, ये आ गया अमेज़ोन का। बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ोन का ही है। MRP देख सकते हैं यहाँ पर 2499, 2500 रुपये के समथिंग का इसका MRP पड़ा। कितने का वो सारी चीज़ें अभी डिटेल में बात करेंगे। तो बॉक्स कुछ इस तरह का, फ्रंट पे ही मैंसन मिल जाता है 15 वाट वायरलेस चार्जर। ऑल राइट, जो कि अमेज़ोन का है, काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं। बेसिकली प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। अब कनेक्ट कैसे करना सारी चीज़ें देख लेते हैं, फटाफट से निकालते हैं इसको बाहर। ओ भाई उल्टा खोल देगा, अब ट्रे पीछे ये इधर। ओहो हो, सो गाइस ये है हमारा अमेज़ोन का वायरलेस चार्जर जो कि 15 वाट का है भाई। अब इसको निकालते हैं बाहर। ऑल राइट, बस दो ही पार्ट है इसके, यहाँ पर अलग से अडेप्टर वगैरह नहीं मिला। बेसिकली अडेप्टर भी कनेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है हमें, सिंपली ये जो ट्रे होगी, बेसिक सी ट्रे इसकी, इसके ऊपर ही फ़ोन रख के चार्ज होगा। और ये टाइप सी केबल होगी इसके साथ जो आई है। बाकी बॉक्स में अलग से यहाँ पर इंडक्शन वगैरह के लिए मैनुअल वगैरह दिया हुआ है, किस तरह से जो कनेक्ट करना है इसको। ऑल राइट, ये रही इसकी केबल जो कि टाइप सी केबल है। बेसिकली इसमें एक अडेप्टर की और आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये टाइप सी केबल होगी, वो आपको कनेक्ट करनी है यहाँ पर, इसमें जो पोर्ट बना हुआ पीछे की साइड। अब इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया सिंपली। और अब क्या करना है, ये जो पोर्ट है ना भाई, इसको यहाँ पर आपको लग से किसी चार्जर वगैरह में, अडेप्टर में बेसिकली कनेक्ट करना होगा। ऑल राइट, अभी मैं क्या करता हूँ, किसी एक चार्जर में मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको। बस यहाँ पर रियलमी का चार्जर रहता है, इसमें ही कनेक्ट कर देता हूँ इसको। यह आइए हमारा पावर सॉकेट, अब मैं कर देता हूँ इसमें इसको कनेक्ट। नाउ इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, और पावर भी कर देता हूँ ऑन। तो खैर मैंने यहाँ पर पावर ऑन कर दी, तो इसमें लाइट आ चुकी है, देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन लाइट जल रही है यहाँ पर अभी। ऑल राइट, अभी बाय द वे मैं इसके ऊपर फ़ोन रखता हूँ, तो मेरे हिसाब से चार्ज हो जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं आई थिंक। अब मैंने इसके ऊपर फ़ोन यहाँ पर रख दिया। वाओ गाइस, अमेजिंग, यहाँ पर चार्जिंग जो स्टार्ट हो चुकी भाई फ़ोन रखते ही। अरे वाह, ये तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, मतलब ये लिटरली अमेजिंग है। ऐसे में आप जो ऑफिस वगैरह में वर्क कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसके साथ जो हमेशा जो केबल कनेक्ट करके रखे हैं फ़ोन को यूज़ करते रहें। ऐसे में देखो फ़ोन आपका जो धीरे धीरे चार्ज भी होता रहेगा, और आप फ़ोन को यूज़ भी करते रहेंगे। जैसे आपको यूज़ करना हुआ तुरंत फ़ोन उठाया, ये चार्जर से डिसकनेक्ट हो जाएगा, और तुरंत यहाँ पर इसके ऊपर रखा, ये फिर से चार्जिंग जो स्टार्ट हो जाएगी। तो है ना काफ़ी कमाल की जीत, ये चीज़ तो काफ़ी ज़बरदस्त है। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर फ़ोन रखते ही यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, और बाय द वे स्क्रीन को हम अनलॉक करते हैं जैसे, तो क्या उस केस में भी चार्जिंग स्टार्ट रहती है? जी हाँ, मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरा चार्जर उठा लिया, देख रहा हूँ ये आइकन बना रहा है चार्जर के पास, चार्जर का ही आइकन बना रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखो ये हट गया, ये हट गया ना। फिर मैं इसके पास ले जाता हूँ, तुरंत रखते ही फिर से स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से स्क्रीन पर दिखाता है। बैक कर दें इसको, फिर से देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग वाला जो आइकन दिखा रहा है ना, वहाँ पर चार्ज ही दिखा रहा है। तो ये प्रोडक्ट भाई लिटरली अमेजिंग है, मुझे लगता है मंगाना चाहिए हर किसी को। फ़ोन में ऐसा फीचर्स मिला इतने कम प्राइस में, तो डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहिए। सो ऐसे में केबल की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 1.25 मीटर के समथिंग की केबल की लेंथ है, 1.25 मीटर के समथिंग। तो ऐसे में आप इसको PC लैपटॉप में भी कनेक्ट करके जो वायरलेस चार्जर को यूज कर सकते हैं, और अपने फ़ोन को जो चार्ज कर सकते हैं। खैर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और प्राइस भी स्क्रीन पर मैं खैर दिखाई दूँगा, इसका करंट प्राइस आप चेक कर सकते हैं। वाह, काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था, बेसिकली इसको आने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि फ़ोन जैसे ही ऑर्डर हुआ फ़ोन को डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद जब फ़ोन डिलीवर हुआ उसके बाद ही मैंने यहाँ पर चार्जर ऑर्डर कर रहा था, तो फिर से यहाँ पर जो इस चार्जर को भी आने में यहाँ पर टाइम लग गया। तो बेसिकली ये चीज़ काफ़ी सही है यार, मतलब आप फ़ोन को यूजली हर वक्त केबल लगा के यूज़ नहीं कर सकते। अगर 15 वाट का चार्जर है तो कितने टाइम में ये फ़ोन को 100% चार्ज करेगा? बेसिकली चार्जिंग टेस्टिंग की फुल वीडियो जो आपको हमारे चैनल पर अलग से भी मिल जाएगी, बाकी चार्जर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो इसमें काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी, जो कि आईफोन के सभी फ़ोन्स में जितने भी वायरलेस चार्जिंग वाले फ़ोन आते हैं सभी में ये चार्जर जो सपोर्ट करता है, सभी में 15 वाट के ही चार्जर आते हैं। ऐसा नहीं कि सुपर फास्ट चार्जर अलग से आता है, वायरलेस चार्जर जितने भी हैं ना ऑलमोस्ट सारे जो 15 वाट के यानी 15 वाट के ही आते हैं। ऑलराइट, तो चार्जिंग चल रही है भाई, ये सही ज़बरदस्त है।